नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे लिस्ट टाइप की, हम लोग बात कर रहे थे, तो यहाँ पे हमने दो टाइप का लिस्ट यहाँ पे देखा, ओएल देखा, यूएल देखा। अब इस तरीके से मान लीजिए हमें किसी चीज की डिफिनेशन को डिफाइन करना है, जैसे HTML का फुल फॉर्म बताना है, HTTP का फुल फॉर्म बताना है। इस सीक्वेंस में यदि हमें मान लीजिए अगर लिस्ट को डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे, आइए डियर बात करते, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमको यहाँ पे क्या करना है, डिफिनेशन लिस्ट दिखाना है। कैसे करते हैं, तो बस वही हमारा प्रोसेस होगा, वही हमारा मेथड होगा। तो सबसे पहले क्या ओपन करेंगे, HTML ओपन कर लेते हैं, सॉरी सबसे पहले नोटपैड ओपन कर लेते हैं, और नोटपैड में हमारा जितना भी यहाँ पे टैग होता है सारे टैग को हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई कर लेंगे। इस तरीके से हमारा टैग अप्लाई हो गया। अब क्या करेंगे, HTML हमने यहाँ पे ओपन कर लिया, हेड हमने यहाँ पे ओपन कर लिया, अब हमको क्या देना है, टाइटल देना है, तो हमने यहाँ पे टाइटल भी ओपन कर लिया। ठीक है, चलिए हमने यहाँ पे टाइटल भी दे दिया। अब टाइटल में क्या देना है हमें, तो टाइटल में हमको क्या देना है, HTML डिफिनेशन लिस्ट दिखाना है, तो हमने यहाँ पे टाइप कर दिया HTML। किस चीज का हम यहाँ पे एग्जांपल बना रहे हैं, HTML डिफिनेशन लिस्ट। ठीक है, HTML डिफिनेशन लिस्ट। ओके, टाइटल को क्लोज कर दिया हमने, ओके, चलिए टाइटल हमारा क्लोज हो गया। अब क्या करेंगे, हेड हमारा यहीं पे बंद हो जाए, चलो हमने हेड को भी बंद कर दिया। ओके, चलिए हेड हमारा क्लोज हो गया। हेड जैसे ही क्लोज हुआ हमने बॉडी को ओपन कर लिया, किसको ओपन कर लिया, बॉडी टैग को हमने ओपन कर लिया। ओके, जैसे हमारा बॉडी टैग ओपन हुआ, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान रखना है डियर, यहाँ पे हमको डिफिनेशन लिस्ट डिफाइन करना है। तो सबसे पहले हमने टैग क्या लिया, DL टैग ले लिया। कौन सा टैग ले लिया, DL टैग ले लिया, और DL टैग में हमको क्या डिफाइन करना है, HTML का डिफिनेशन डिफाइन करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले DT टैग अप्लाई कर लेंगे, हमने यहाँ पे DT टैग लगा दिया। अब DT में हमको क्या रखना है, क्योंकि हमको उसको क्या करना है डियर, बोल्ड भी करना है, तो हमने यहाँ पे DT के तुरंत बाद क्या लगाया, B टैग लगा दिया, मतलब बोल्ड हो जाए। बोल्ड में हमको क्या करना है, HTML करना है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया HTML, क्या टाइप कर दिया, HTML कर दिया। ठीक है, कैपिटल में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये HTML, चलो हमने यहाँ पे टाइप कर दिया भाई, HTML हमारा टाइप हो गया। अब क्या करेंगे, B टैग को बंद कर देंगे इसी लाइन में, B टैग हमारा क्लोज हो गया। अब क्या करेंगे, इसी लाइन में हम अपने DT को भी बंद कर देंगे, DT हमारा क्लोज हो गया। ओके, अब क्या करेंगे डियर, इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमको क्या लिखना है, डिफिनेशन लिस्ट के लिए यहाँ पे हमको DD टैग लगाना है, DD टैग यहाँ पे लगाना है, और इसका फुल फॉर्म लिख देना है, क्या लिख देना है, इट इज स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हमने यहाँ पे लिख के, और उसी लाइन में क्या कर दिया डियर, अपने DD टैग को क्लोज कर दिया। ओके, चलिए DD हमारा बंद हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, फिर से यहाँ पे DT लगाते हैं, जैसा हम लोग अभी तक करते आए हैं, फिर यहाँ पे हम यहाँ DT लगाते हैं, यहाँ पे DT टैग ओपन कर लिया। ठीक है, DT टैग हमारा जैसे ओपन हुआ, अब क्या करेंगे, तुरंत यहाँ पे B टैग लगा लेंगे, क्या लगा देंगे, B टैग लगा देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमको किसको डिफाइन करना है, डियर, यहाँ पे हमको अब डिफाइन क्या करना है, HTTP को, किसको डिफाइन करना है, HTTP को। ठीक है, कैपिटलाइज़ करिए, HTTP को यहाँ पे हमको डिफाइन करना है, हमने यहाँ पे डिफाइन करके बोल्ड कर दिया, बंद कर दिया B टैग को। ठीक है, और हमने किसको बंद कर दिया, DT टैग को बंद कर दिया। चलिए हमने यहाँ पे DT को भी बंद कर दिया। ओके, चलिए
इतना जैसे हो गया, अब हमको क्या करना है, तुरंत फिर से डी डी टैग लगाना है। क्या लगाना है? डी डी टैग लगाना है और यहाँ पे लिखना है इट इज स्टैंड फॉर हाइपर टेस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और यहीं पे हमने क्या कर दिया, डीडी को बंद कर दिया। ओके, क्या कर दिया डियर, डीडी को बंद कर दिया। ओके, चलिए डीडी हमारा क्लोज हो गया। अब इतना क्लोज करते ही अब क्या करेंगे डियर, अब क्या करेंगे, इतना करते ही हमारा डीएल ओपन है, डीएल टैग हमारा ऊपर। हाँ बिल्कुल, डीएल को बंद कर दो, हमने डीएल को क्लोज कर दिया। अब कौन सा टैग हमारा ओपन है, बॉडी ओपन है, बॉडी बंद हो गया। चलिए बॉडी टैग बंद हो गया। अब एचटीएमएल ओपन है, एचटीएमएल बंद कर दो। ओके, चलिए इस तरीके से हम डिफिनेशन लिस्ट का यूज आज कंप्लीट चेक कर लिए हैं और सारी कोडिंग को हमने बता दिया। डेस्कटॉप पर जाइए, फाइल को सेव कर लीजिए। चलिए यहाँ पे हमने कुछ भी सेव कर लिया, राहुल नाम की फाइल हमने सेव कर लिया, rahul.html। ओके, चलिए ये देखिए हमने HTML डिफिनेशन बता दिया। HTML का डिफिनेशन क्या होता है डियर, देख लीजिए आपके सामने लिखा हुआ है। HTML आपका बोल्ड फॉर्मेट मटेरियल स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और HTTP का स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जिस तरीके से मैंने आप और भी आपको ऐसे बनाना है, FTP का बनाना है, SMTP का बनाना है, बिल्कुल आप ऐसे लॉजिक आप लगा सकते हो। ओके, चलिए डियर,